एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है, 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर्स अगो जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, वाट आर दियर प्रेजेंट एज। देखिए हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें जेकब और उसके बेटे की एज को फाइंड करा रहा है। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे किसी की भी एज अगर फाइंड कराता है तो सबसे पहले जिस जिसकी एज फाइंड कराता है उसकी एज को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जेकब और उसके बेटे की एज को फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू एक्स ईयर और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई ईयर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप कंडीशन देखेंगे। कंडीशन में सबसे पहले हमसे बोला गया था 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जेकब की जो एज हो जाएगी वो उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन में आए कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, या 4 साल पहले, या 8 साल पहले, तो सबसे पहले उसी की हम बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा 5 ईयर हैंस, तो 5 ईयर हैंस हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया। अब उसके बाद आप ये देखें 5 साल बाद जो है जेकब की जो एज होगी वो कितनी होगी। तो अगर हमें कुछ साल बाद की एज अगर फाइंड करनी हो तो जितने साल बाद की एज फाइंड करनी है हम क्या कर देते हैं, जो प्रेजेंट एज होती है उसमें उतने ही ईयर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर हैंस की बात कर रहा है यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद जो जेकब की अगर एज अभी एक्स है तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। जो इसका बेटा है उसकी एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, अगर अभी इसकी एज वाई है तो 5 साल बाद हो जाएगी वाई प्लस 5। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि जो जेकब की जो एज है 5 साल बाद वो उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3 गुने के बराबर हो जाएगी। तो जेकब की एज 5 साल बाद इतनी होगी और उसके बेटे की एज 5 साल बाद इतनी होगी। तो जेकब की जो 5 साल की 5 साल बाद की एज है वो इसकी उसके बेटे की 5 साल बाद की एज के कितने गुने के बराबर हो जाएगी, 3 टाइम्स के। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स प्लस 5 और इक्वल टू 3 की वाई से 3 वाई प्लस 3 5 15। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 3 y और इक्वल टू 15 और माइनस 5 आ जाएगा हमारे पास। तो x माइनस 3 y और इक्वल टू कितना आ जाएंगे आपके पास, 10। इक्वेशन कितनी आ गई आपके पास, फर्स्ट। अब हम बात करेंगे जो सेकंड कंडीशन है, 5 ईयर्स अगो जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले जेकब की जो एज थी वो उसके बेटे की एज के 7 टाइम्स थी। तो 5 साल पहले अगर हम देखते हैं, अगर अभी इसकी एज एक्स है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, एक्स माइनस 5 रही होगी, और इसका जो बेटा है उसकी एज कितनी रही होगी, वाई माइनस 5 रही होगी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो उसके बेटे की 5 साल पहले की एज के 7 टाइम्स। तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 × y − 5। अब आप क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 ऐसे ही रखें, 7 की वाई से मल्टीप्लाई, 7 y और माइनस 7 × 5 = 35। अब आप क्या करें, x और y वालों को एक तरफ ले लें, माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 35, इधर आ गए प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पर x माइनस 7 y को ऐसे रखें और माइनस के कितना आ जाएंगे, 30। इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन को ले लिया करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितनी है, x माइनस 3 y इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 10 इधर आके प्लस के 3 y हो जाएंगे। इक्वेशन कितनी आ जाएगी, थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन जो आई है फर्स्ट की मदद से आई, तो जो थर्ड x की जो वैल्यू आई है वो किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, x कितना था आपके पास, 10 प्लस 3 y, तो 10 प्लस 3 y और माइनस 7 y और इक्वल टू माइनस 30। तो 10 और प्लस 3 y और माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 30। तो ये 10 और माइनस के कितने बचेंगे, 3 y प्लस के माइनस के 7 y, तो माइनस के कितने बचेंगे, 4 y इक्वल टू माइनस 30। और जब आप यहाँ से जो है y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस 4 y ऐसे ही रहा, और ये माइनस 30 इधर था, ये माइनस इधर आके 10 हो जाएगा। तो माइनस 4 y और इक्वल टू माइनस के कितने हो जाएंगे, 40। तो माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू निकालेंगे, 40 अपॉन कितना आ जाएगा, 4। इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब जो y है, y की वैल्यू आप किस में रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में, तो आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इक्वेशन थर्ड हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई है वो रख देंगे। तो 10 x ऐसे रहा, 10 ऐसे रहा, प्लस 3 × y कितना था हमारे पास, 10। ठीक है, तो 10
ये 10 और प्लस में 3 की 10 से करेंगे 30 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा टोटल 40। ठीक है, तो जब हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, तो द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितनी मानी थी हमने एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 40, तो कितनी हो जाएगी 40 ईयर हो जाएगी जेकब की एज। और जो उसके बेटे की जो एज हो जाएगी वो कितनी मानी थी हमने वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 10। ठीक है, तो उसके बेटे की जो एज हो जाएगी वो 10 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो